मोहम्मद आलम शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अच्छा, आपकी जो सिस्टर थी इसके साथ क्या घटना हुई और आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी तो घटना तो 6:30 बजे जसीम का फ़ोन आया जी कि तुम्हारी बहन का मुझे गिरी हुई मिली है। रात सो के जब उठा देखा गिरी हुई मिली, उनके सर में चोट थी, उसी वजह से मृत्यु हो गई। हम लोग अलीगढ़ आए, आके देखा कि गिरने के सर, हमने उनसे क्वेश्चन भी किया, सबसे पहले तो नाक लगनी चाहिए, नाक पे कोई चोट का कोई निशान नहीं, माथे पे 3-4 निशान, बंदा गिरेगा तो एक निशान आना चाहिए, जिसकी वजह से वो कोई तसली बख्श जवाब नहीं दे सके। काफ़ी तू तू मैं रही, काफ़ी बातचीत रही थे, उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो नहीं हो सकता ना हो। काफ़ी टाइम के बाद में फिर चलिए आप सही कह रहे हो, आपकी बात मान लेते हैं। जब उनको नहलाने का उसका टाइम आया तो देखा तो बहनें भी आ गई थी, उन लोगों नाक से मुँह से खून आया उसके, और उन्होंने बताया कि और भी जिस्म पे चोटों के निशान मौजूद हैं उनके, कि वो इतना टाइम हो गया, इतना इन लोगों का प्रेशर था कि हम तो थोड़े से लोग आए अलीगढ़, तो पूरा इनके सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था उन्होंने, जो किसी को बता रहे थे कोई उनका रिश्तेदार है कि मैं CBI में, मैं हूँ रेलवे की, क्या है उनकी भी, वो भी मौजूद थे, उनसे भी पूरा उनका ही बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, जल्दी जल्दी मिला कर उन्होंने इन्हें दफीने करा दिया। लेकिन जैसे पहले टोन थी, दफीने के बाद में बिल्कुल उनका अपना नेचर बातचीत में उसमें बदल गया। पहले तो हमसे कहते रहे बच्चों के नाम ज़मीन कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा पाता तो हम लोग, हमारी खाला भी यहीं रहती हैं, हम उनके घर चले गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें मालूम होना शुरू हुई पड़ोस से, दूसरी जगह से रात में कोई गाड़ी बताती हैं आई लेट नाइट इनके घर पर, जिसमें कुछ लोग आए, क्योंकि मेरे भारी बहन जो है भाई जिसमें काफ़ी भारी थी, इनकी माँ की भी सेहत ऐसी नहीं है, ये दो लोग मिलकर उसका कुछ बिगाड़ सकें, तो अंदेशा है ये कई एक लोगों ने जो बहन, उसकी सगी बहन, बहनों ही और इनकी माँ और ये चारों लोग, और भी अंदेशा है कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने मिलकर उसको जान पूछ कर ये हादसा अंजाम दिया है। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें और उजागर हुई कि पड़ोसी से दूसरी जगहों से मालूम हुआ कि इनके साथ पूरा सलूक किया गया, और रात भर पूरा चीखें चिल्लाने की आवाज़ें फिर से सुनी गई इनके, तब हमें और बात मालूम हुई, तब फिर हमने अप्रोच किया FIR के लिए, FIR करा हुई और PM के लिए, DM साहब से FIR कराई, यहाँ से SSP साहब से मिले, DM साहब से यहाँ एप्लीकेशन दी PM के लिए, उसके लिए आज इसकी परमिशन मिल गई है। और जब वसीम से बात हुई, इनके भाई हाथ पर काटने के उसके निशान थे, जो बाद में लोगों ने देखे बताया, उसकी भी अपने एप्लीकेशन उसके बाद दे दिए, FIR में उसको दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन बाद में मालूम हुआ जो दूसरे लोगों ने देखा कि एक जगह पे हाथों पे काटने के निशान, तो बचाओ में अपने उसने काटा होगा, उनके नाखूनों के खरोंच वो मौजूद हैं, हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा बुलाई है, तो इसके लिए हमने इसका व्हाट्सअप किया है और हार्ड कॉपी वाली में भी दी है, जो चीज़ मालूम हुई इसका भी हमने रिटर्न में दिया। कितने लोगों के खिलाफ आपने FIR लिखवाई? इसमें 4 लोग हैं, लड़का है असीम जी, उनकी माँ है जी, और उनके बहन है और बहनों ही है। अच्छा, कितने वर्ष पहले हुई? तकरीबन 8 साल हो रहे हैं। 8 साल हो गए, बच्चे गए इनके? इससे पहले दिल्ली रहते थे, और दिल्ली में गलत लड़कियों से उनका, मेरी दूसरी बहन भी दिल्ली में रहती है, जहाँ मेरी बहन वहाँ गई फ्लैट पर दूसरे को बुलाना लड़कियों को हुआ, तो वहाँ भी लड़ाई झगड़े मुस्तकिल बने हुए थे, हमने पेशे बनाकर दिल्ली। अच्छा, पत्नी विवाह रहती था जी, मुस्तकिल चीज़ें चल रही थी हमारी समझाने का, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था, और दिल्ली छोड़कर हमारे प्रेशर पे तो यहाँ आ गए लॉकडाउन से पहले, और उसके बाद में फिर ये हमारे दोनों भाइयों की शादी थी, एक की 23 में, एक की 25 में, उसी के टाइम के मौके पर फ़ायदा उठाया कि ये शादी में उसमें व्यस्त रहेंगे या फिर फुल्ली शादी की उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मौका अच्छा है, उन्होंने मौके का उसका फ़ायदा उठाकर ये घटना को अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया।
वही है।